lost track of time, don't know how to feel. दिक्कत होगा? हाँ, निकल गया। मेरे तो बाहर वाले पॉपकॉर्न रखते हैं। कितना? 20। जल्दी जल्दी बात करो। नाली सामने है, उधर जाओ। ठीक, जल्दी आओ। बताए भी नहीं, तुम अंदर आ गए, हम आगे जाए जा रहे हैं। सीपीयू असेंबल भी करवाना है। कोटा है? हाँ, खोला हुआ है। बेटर कार्य का अपना स्कोप जो हम दीजिए ना, उसी को कर दीजिए। इसमें जो है ना, एसएसडी लगवा लीजिए। एसएसडी में नहीं आता। अच्छा, एसएसडी उसमें नहीं लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर वाले में एसएसडी नहीं है। इसमें तो ग्राफिक कार्ड भी है ना? 17,950। हाँ, ग्राफिक कार्ड के साथ है आई कार्ड। ठीक है, यही करवा लो। 120 GB का उसमें जो आप रेट दिए उसमें कुछ और डिस्काउंट नहीं हो सकता है? गेम किस तरह का चला रहा है? GTA 5 वगैरह चल रहा है। तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देखिए उसका। ये तो माइनक्राफ्ट चलाना नॉर्मली, बहुत बेसिक सा गेम चलाना है, बहुत हाई फाई गेम नहीं चलाना है। और ग्राफिक कार्ड से तो उसका सपोर्ट करेगा ना? हाँ, करेगा। ग्राफिक कार्ड भी अगर लग जाता है थोड़ा सपोर्ट तो करेगा। बस ये चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें जो असेंबल हो ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि जो पिछली बार जो हमें असेंबल करके दिए थे ना, मेरे रिलेटिव हैं ग्वालियर में, उनसे लिए थे, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब एक अगर SSD है, HSD है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके रैम भी नहीं सपोर्ट कर रहा था। दो रैम लगाए थे, दो तरह का लगा दिए, तो ये यही सब मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं चाहते। इस बार वो तो अच्छे से ढंग से लें, सिस्टम तो स्मूथ चलेगा। और रहता क्या है कि जैसे जैसे हार्डवेयर का अलग अलग वेरिएंट है, उसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग है। अच्छा, बहुत हाई एंड का गेम डाल देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, बहुत हाई, इसलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले बता दे रहे, ज़्यादा अच्छा है। बता दो तुम, माफ मुझे करो ना, बहुत सफोकेशन लग रहा है। अभी बता दो हाँ, नॉर्मल गेम है, 4 GB रैम पर भी चल रहा था। देखें उसका मोबाइल यही वाला लगाओगे? हाँ ठीक है। 8 GB वाला नहीं लगाओगे? 8 GB वाला कितने का पड़ेगा मिनिमम? 8 GB वाला नहीं है, 41,730 शीशे का कवरेज है। कितने का होगा? कितने का पड़ेगा ये? हाँ यही तो देख रहे हैं, 2000 नहीं देखे थे ना? ये 2000 रुपये का है, नेट पर दिखा रहा था। कितने का पड़ेगा ये? नहीं ठीक है, तो नहीं नहीं चीज़ को तो अच्छी ही लगे थे। बाद में इसमें 8 GB जोड़ नहीं सकते हैं? बता रहे 8 GB रैम आता है,
वो तो बाद में जोड़ लेते कूलर भी तो आता है सीपीयू कूलर आरजीबी आता है वो बजट अभी नहीं है मेरा अगली बार ले लेना देख लेना से पार्ट वही है ना मदरबोर्ड है पार्ट सब देख लेना कौन सा H61 यही तो था मदरबोर्ड का क्वालिटी इसमें 2 साल का वारंटी बता रहे हैं तो ये 2 साल का वारंटी आप दीजिएगा इसमें इसमें तो आप यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर पटना में रहेगा तो हम एड्रेस दे देंगे तो आप वहाँ पे हो जाएगा अच्छा तो यहाँ पे 2 साल तक हम आपको यहीं कॉन्टेक्ट करना है यहीं पे करना होगा ना इसका तो सर्विस सेंटर यहाँ पे होगा नहीं और इसका आप बता रहे कि 1 ही साल दीजिएगा आप 1 साल दीजिएगा ना बाकी तुमको अच्छा सपोर्ट हम एड्रेस तो आप लोग जाइएगा जाना आना ये वो तो फिर हम लोग एक बार लेके चले जाएंगे ना इन केस अगर प्रॉब्लम होती तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक सामान में यही होता है तो दोनों में से बेहतर कौन सा होगा आप एकदम पर्सनली बताइए ठीक है दोनों लगभग अलग ब्रांड है ठीक है ये वाला सुनो ना तो वो यही वाला सुन लगा लो सही है ना यूज कर रहे हैं देखिए ऐसा नहीं कि 3 साल तक 3 साल के बाद भी चले 5 साल आराम से 5 इयर्स 3 साल तो लाइफ होती है 5 इयर्स आराम से चलेगा और पहले अगर अपडेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ये SSD कार्ड है ये SSD है कंसिस्टेंट का SSD नहीं होगा कंसिस्टेंट का SSD है तो फिर ज़्यादा में है 256 में है कितना 256 GB और हार्ड ड्राइव 500 GB कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट का ही देख लीजिए अगर है तो ये वाला भी ये वाला हार्ड डिस्क मैं वो नहीं आएगा वो तो हम लोग डेली पे जाता है यहाँ बिलिंग नहीं हो पाता किंगस्टन तो नहीं आता है इसमें किंगस्टन आएगा वो 10 जनरेशन वाले में उसमें आएगा 8 GB ना 8 GB ना आपका है कंसिस्टेंट कितना है 8 GB है हाँ किंगस्टन का है ना ये 8 GB का है ना लगाएंगे तो उसमें आ जाएगा ना आ जाएगा सारा यहाँ है ये सब चीज़ें तो वहाँ पर बात तक वहाँ से नहीं करवाएंगे नहीं कोई डब्बा लगाएंगे आ जाओ पापा रहे हैं कैबिनेट हुई ग्राफिक्स कार्ड भी उसका खराब होगा हार्ड डिस्क और टाइची का हार्ड डिस्क नहीं होगा टाइची का है हार्ड डिस्क और प्रोसेसर इंटेल कोर i5 भी है ना देख लेना वो तो आप खुल जाएगा ना बनने का करना थर्मल पेस्ट हाँ हाँ वो भी आ गया था यही था GT 710 यही है ना हाँ